मुद्दे की बात यह है कि क्या हम दिवाली से पहले ये वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर है ना हम पापा से लेके ही रहेंगे। मेरे एक आवाज पे है ना पूरी बिल्डिंग के लाइट चालू हो जाएंगे बाहर के। सच में? हाँ बताओ कैसे करने वाले हैं अभी? हाँ देखो उधर बिल्डिंग की तरफ देखो। देखा देखा? हाँ लाइट्स ऑन। उठो जल्दी से कुचू डिब्बू। उठ जल्दी से, सवेरे हो गई। देख पापा आते होंगे अभी, उठ जल्दी से। डिब्बू उठ जल्दी, पापा आ गए। आ गए क्या? दोनों उठ रहे नहीं ना। उठाओ उनको। उठ उठ उठ। हाँ एग्जाम में 10 बजे चल उठ। उठो उठो उठो। देखो एक झपाटा रख के उठ उठ उठो उठो। जा रहा है। हाँ उठो उठो सब। तो अभी मैं जा रही हूँ दांतों के हॉस्पिटल, क्योंकि आज है ना मेरा अपॉइंटमेंट है। तो एक बार का वो सब कर लिया ना दांतों का, तो फिर मैं ना सब काम करने के लिए फ्री हो जाती हूँ। तू तो बोल रही थी ना आज काली माता का लुक करने का, मैंने सामान भी लाया तेरे लिए। सामान भी लाए तेरे लिए? क्या हो गया देखो? मुंह दिखा मुंह दिखा। तू तो बहुत स्ट्रांग है ना। बता मुंह दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा। दिखा तेरे दांत अभी कैसे हो गए? दिखा दिखा ना, मुंह खोलना। दिखा तेरे दांत। अखरोट खाने के क्या? अभी कुछ भी बोल रहे और रो रही। नारियल खाती फिर दांत से फोड़ के। जान दो आज कुछ मत करो, आज ना उसको आराम करने दो। दांत बता सबको। दांत बता। पीले दांत नहीं है तेरे, सब चिल्लाते रहती पीले दांत बता। हो जाती पीली हो। हाँ ये क्लिप पीली पड़ जाती है, सबको ऐसे लगता है कि तेरे दांत पीले ऐसे नहीं है। खाने की वजह से क्लिप पीली हो जाती। चल सो जा तू सो जा। उसको डिस्टर्ब मत कर, कुछ नहीं करने का आज। ए उसको डिस्टर्ब नहीं करने का। दांत दुख रहे उसके बच्चे। तेरा गाल दुख रहा क्या? नहीं आओ इधर बताता हूँ कैसे दुखेगा। आओ उधर देख झुका के रख के। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी और मुझे है ना अभी फ्रेश फील हो रहा है। तो पापा गए हमारे न्यू घर, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है ना, तो पापा दिन भर से वहीं पे। तो अभी मम्मा और मैं भी जाने वाले हैं न्यू घर। तो सो कर लिया मैंने फेस वॉश और अभी मैं है ना फ्रेश फील कर रही हूँ। देखो तो अभी है ना मैं ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ। ये देखो ये है येलो वाला नॉट वाला शर्ट और ये ब्लैक लेगी। शायद से आपने है ना ये वाला ड्रेस मेरे पहले वाले वीडियोस में भी देखा है। तो बताओ कैसा लग रहा है। तो हो गई मैं रेडी। ये देखो तो है ना अभी पापा आ रहे हैं हमें लेने के लिए। और आज है ना हम पापा से पूछ के ही रहेंगे और उनसे आंसर लेके ही रहेंगे कि क्या हम दिवाली से पहले न्यू वाले घर में शिफ्ट हो पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि क्या है ना देखो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, काम देखते कितना हुआ है कितना नहीं, क्योंकि हमें है ना दिवाली नए वाले घर में ही मनानी है। मम्मी अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद में पता चलता है कि दिवाली से पहले वहाँ पे हम शिफ्ट नहीं हो रहे तो पापा की खैर नहीं। पापा हाँ। आपकी खैर नहीं। कौन बोला ऐसे? किसकी हिम्मत हो गई ऐसे बोलने की? मम्मी की। तो फिर ठीक है हाँ। मुझे लगा और कुछ बोलते हैं। हाँ मम्मी को कुछ नहीं बोलते पापा, हमको बोलते हैं। तो देखो पापा मुद्दे की बात ये है कि क्या हम दिवाली के पहले न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं? बताओ जल्दी बताओ। हाँ, सीधे सीधे जवाब दो, ज्यादा घुमा फिरा के मत बताओ। अरे तो हो जाएंगे ना, उसमें क्या है। इतना लाइटली बोल रहे हो। अभी 8-15 दिन ही बची है। हाँ तो 10-12 दिन बाकी है अभी। 12 दिन मतलब हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना अभी हाँ देख रहे हैं ना हम चल के हुए। पापा देखो सच्ची बताना हुआ है ना काम? अरे हो गया काम, हो रहा ना अभी, चलो तो सही। ठीक है देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और सामान भी लेना बाकी है बहुत सारा, आपको पता नहीं है पप्पा मम्मी ने और मैंने क्या क्या प्लानिंग की है। वो देखो वो यार हमारा मामा पानी भर रहा है। ये देखो हमारा घर कैसे दिख रहा है इधर से, ये वाली साइड से। वैसे कलरिंग का है ना पूरा काम हो चुका है बाहर से। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का है ना पूरा कलर वायरिंग का काम हो गया है, बस है ना अंदर का भी फर्नीचर चल रहा है, तो अंदर चल के देखते हैं कितना काम हुआ है। पापा ये क्या है, ये कब साफ सफाई होने वाली है? हो जाएगा कब होने को? क्या हो जाएगा, कब होने वाला है ये साफ साफ? चलो ऊपर चलो, देखने तो काम हुआ है या नहीं। चलो देखने दो नीचे के फ्लोर का सब काम। अरे ये कब जाएगा फिर? अरे ये सब अभी थोड़ा-थोड़ा करने का काम बाकी है ना। हाँ ना, सब भी बाकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हुआ नहीं है पूरा कंप्लीट। अरे हुआ है। चलो मम्मी देखते हैं। पापा इसमें पानी भरा हुआ है? भरा हुआ है ना, दिखाओ खोल के। ओह ये देखो मम्मी, देखो ना अभी यहाँ का मेन गेट भी नहीं लगा है, यहाँ पे कांच भी नहीं लगे हैं, कैसे होगा दिवाली से पहले? चलो पापा से पूछते ना, अभी देखते ना। देखो नहीं इधर कांच भी नहीं लगे, गेट भी नहीं हुआ, पूरा काम बाकी है अभी। पापा ये क्या है, बाप रे, अभी तक ये विंडोज पे कांच भी नहीं लगे और अभी तक पूरे 3 फ्लोर पर कांच लगना बाकी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। मम्मा देखो ना, लग जाएगा वो। कब आपका अभी 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 आगे कोई लगाने देगा क्या? दिवाली से पहले सब होना चाहिए। दिवाली से पहले हमको रहना है यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ जितना भी काम हुआ है ना, मैं सब आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो स्टार्टिंग हॉल से करते हैं। यहाँ पर है ना अभी सोफ़ा बन रहा है, अभी काउच लगेगा, सब लगेगा। तो वो देखो वो रहा हमारा सामने टीवी यूनिट, वहाँ पे ऊपर टीवी लगेगी। मेरे रूम का दिखाती हूँ, ये देखो ये रही मेरे रूम। यहाँ पे टेबल भी लग गया था लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था, तब ये टेबल का ही काम चल रहा था। और देखो कवर पे भी सनमाइका लग गई है, हमने जो सनमाइका डिसाइड किया था ना मम्मी ने और मैंने, ये अच्छा लग रहा है, इसको खोल के देखते हैं। तो देखो इसमें मैंने ना बहुत सारा ये बनाया है, बॉक्स बनाया है, 1 2 3 4 अभी बहुत सारे, क्योंकि कपड़े बैठने चाहिए ना यार, पूरे कपड़े बैठने चाहिए। और इधर से भी एक है, वो वाला भी दिखा देती हूँ, ये देखो। तो ये देखो ये जो टेबल है इसमें मैंने 2 ड्रॉवर बनवाए हैं, इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान सब कुछ बैठ जाएगा आराम से। यहाँ पे भी बैठने के लिए बना रहे हैं पापा, और बैठने के लिए शाम के टाइम पे या फिर मॉर्निंग के टाइम पे। मम्मी पापा के बेडरूम दिखाती हूँ, ये देखो। देखो मम्मी अभी है ना हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, कर्टन्स की भी शॉपिंग करनी है, यहाँ पे भी कर्टन लाने पड़ेंगे, फिर मेरे रूम में भी कर्टन, इतना बड़ा डोर है वहाँ पे भी कर्टन लाने पड़ेंगे, और हाँ कलर से मैचिंग कर्टन लाने पड़ेंगे। तो हमें पिलोस कर्टन वगैरह सब लाना पड़ेगा, तो है ना हमको एकदम भी लाना पड़ेगा। हाँ सारा शॉपिंग करनी है, बहुत सारा शॉपिंग करना बाकी है, तो है ना हम जल्दी से कर लेते हैं, पापा के चक्कर में पड़ेंगे ना, पापा लेने ही नहीं देंगे, बहुत कंजूसी करते हैं पापा। तो क्या बोलते हो आप, हम कर्टन्स की जो भी शॉपिंग करेंगे उसका व्लॉग चाहिए आपको? जल्दी से कमेंट करके बताना कि कैसे कर्टन लगाने चाहिए। कलर देखो रूम का, रूम का कलर देखो ऐसा है, और मेरे रूम का कलर तो लाइट पिंक है। तो आप बताओ कि कौन से कर्टन हमें लगाने चाहिए। ढेर सारे किचन के बोले तो बर्तन की शॉपिंग, इसकी शॉपिंग कैसे होगा सोना, वही तो। और हाँ सब लोग बोलते रहते सोनाली कहाँ गायब हो गई, तू बता तू कहाँ गई? मेरा कॉलेज चलो हो गया अभी इसलिए। और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम का भी है ना सब काम हो गया है। चलो तो मैं आपको किचन दिखा देती हूँ, फिर हम चलते ऊपर वाले फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ का भी काम हुआ है क्या, मेरी गेमिंग रूम का काम हुआ है क्या। लेट्स गो। तो ये देखो ये रहा किचन, इस पर भी अभी सनमाइका लग गई है, जैसा मम्मी ने कहा था ना रेड और वाइट वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो रेड और वाइट वाला कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, वैसे मेरे को अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। और ये देखो इसमें ट्रॉली भी लग गए, सब इसमें लग गए क्या? हाँ सब इसमें लग गए। तो किचन आपने देख लिया, मुझे बताना कमेंट में कैसा लग रहा है। अभी हम चल रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, जहाँ पे मेरी गेमिंग रूम है, वहाँ पर भी देखते हैं हुआ है या फिर नहीं। टेबल बनाने के लिए बोला है और कुछ नहीं। देखो ये यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। गेमिंग रूम, लेकिन है ना मैंने क्या बोला पापा को कि है ना ये वाला जो टेबल है ना ये बहुत हाइटेड हो गया। देखो ना जब अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो मुझे ऐसे गेम खेलना पड़ेगा पापा, लेकिन ये बहुत बड़ा टेबल हो गया, हाइटेड हो गया वो। मैं ध्यान में आया मेरे को कि ज़्यादा इसकी हाइट हो गई। और हाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात, मुझे है ना अपने गेमिंग रूम में और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंट करना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। देखो आ गए हम टेरेस पे, व्यू देखो पीछे सनसेट हो रहा है, कितना मस्त आ रहा है। लोग कैसे आवाज दे रहे हैं। हाय कितने क्यूट क्यूट फैंस हैं। हाय मम्मी देखो ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पे दिवाली से पहले आके रहने वाले हैं। नहीं नहीं, सारा काम करवाएंगे पापा से। बहुत सारा काम बाकी, कांच लगने बाकी है, रेलिंग लगना बाकी है, सब कुछ लगाया पापा ने। वही तो ना, काम हो गया। अगर काम हो जाता है यार, हम कितनी मस्ती करते हैं यहाँ पे रहने आ जाते। क्या चलो, काम ही नहीं हुआ है। मैं तुमको ना बहुत भारी चीज दिखाता, तुम चलो सही। आप कहाँ? मेरे एक आवाज पे है ना पूरी बिल्डिंग के लाइट चालू हो जाएंगे बाहर के। सच में? चलो 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 चलो, सच में बोल रहे हो ना पापा? आते दिवाली में टेंशन मत लो। सच्ची ना, मुझे भी नहीं लग रहा। आजा तू भी इधर खड़े रहे। हाँ, बताओ कैसे करने वाले? हाँ, अभी हाँ। देखो उधर बिल्डिंग की तरफ देखो। देखा देखा हाँ। लाइट्स ऑन। उसको क्या हुआ? बाप रे, कैसे किया आपने? पापा बताओ ना जल्दी। अभी अभी देखो, लाइट्स ऑफ। बताओ ना कैसे किया, कैसे हो रहा है ये? हाँ बोल। लाइट्स ऑन। वाओ, एक बार और, एक बार और। लाइट ऑफ। फिर से बोलो। लाइट, लाइट्स ऑन। बहुत मस्त है, बहुत सही है, सच्ची बहुत अच्छा है। तो अगर समझो रात को तुमको ना बाहर के पूरे लाइट्स बंद करने के है ना, तो तुमने क्या करना है, बस वहाँ बैठे बैठे बस बोल देना कि लाइट्स ऑफ, तो लाइट्स देखो हाँ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बताओ कैसा लगा? बहुत भारी है, मस्त है, बहुत ही अच्छा। तुम बोल रहे क्या कर रहे पापा, वहाँ क्या काम कर रहे, क्या काम करा रहे ये अच्छा है, लेकिन अंदर का काम नहीं हुआ। हो जाएगा, दिवाली तक अपन काम कर देंगे उसका। लेकिन जल्दी रहने आना है पापा। अभी अभी ये सब देखने के बाद तो कौन रुकेगा वो घर में। प्लीज ना पापा, डिजिटल इतना आने का है। आएंगे आएंगे, हो जाएगा दिवाली से पहले अपन फटाफट काम कराएंगे। होने आया अभी काम। देखो घर का काम तो एकदम अच्छे से चल रहा है, और वहाँ पे ना रहने के लिए भी बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन है ना, हमें दिवाली से पहले वहाँ पे जाना है, और हमें ना दिवाली हमारे नए वाले घर में ही मनानी है। अगर हम वहाँ पे दिवाली नहीं मना पाएंगे तो हमें ना एक साल वेट करना पड़ेगा अगली दिवाली तक। और हाँ, उड़ते उड़ते है ना एक खबर मेरे पास भी आई है कि मेरे पापा और मेरे दादाजी जो है ना, वो 25-26 नवंबर को गृह प्रवेश और वास्तु शांति का प्रोग्राम करने वाले हैं। सो देखते हैं अभी, लेकिन हम है ना पूरा ट्राई करेंगे कि हमें ना हमारी पहली दिवाली हमारे नए वाले घर में मनाए। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अच्छा सुनो, जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। और एक बात हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि ये बड़े बड़े रील स्टार, टिकटॉक स्टार अपने वीडियोज़ कैसे बनाते हैं, तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, तो मैं ना उसकी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी।